अगर एडमिशन लेना है डॉन बॉस्को में तो यूजर पॉइंट्स भूल कर भी भूल ना करें, ना तो एडमिशन भूल जाए। इस वीडियो को डिटेल देखें, इसमें हम पूरा रिवील करने वाले हैं वन से लेके वेस्ट लेके जेड पॉइंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एडमिशन आफ्टर रिजल्ट्स। अगर एक पॉइंट भी चूक हो जाए तो एडमिशन इज इम्पॉसिबल। लेट्स साइन इन। तो अब हर एक पॉइंट पर बात करने वाले डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल में जिन विद्यार्थियों का हुआ है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है वर्क हार्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हर एक लोग को मिल गया होगा, इस तरह का लेटर से गया हुआ है। इसमें हम हर एक पॉइंट्स पे आज बात करेंगे, हर एक चर्चा करेंगे। डियर पेरेंट्स, हर एक पॉइंट्स पे बात करेंगे। मेंशन बिलो आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी टेकन नोट ऑफ व्हाइल कंप्लीटिंग द एडमिशन फॉर्म। प्लीज मेक श्योर द एडमिशन फॉर्म इज नॉट ब्राउट इनकम्प्लीट। जो भी एडमिशन फॉर्म्स स्कूल की तरफ से आपको दिए गए हैं वो इनकम्प्लीट नहीं चाहिए, अनटाइडी नहीं चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एडमिशन फॉर्म इज टू बी फिल्ड इन ओनली बाय द पेरेंट्स। या तो माता या तो पिता उनके फॉर्म्स के कैंडिडेट्स को भरे होने चाहिए। प्लीज राइट नीट एंड क्लीन इन द ब्लॉक लेटर्स विद अ बॉल पॉइंट पेन। ब्लॉक लेटर्स में फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे का नाम राम है तो ब्लू या ब्लैक पेन से ब्लॉक लेटर्स में ही लिखे राम कुमार। साफ साफ शब्दों में लिखना है, ब्लॉक्स में कट थट नहीं होने चाहिए, स्केचिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्लीज पेस्ट वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन द एडमिशन फॉर्म इन द स्पेसिफाइड स्पेस एंड अटैच टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द एडमिशन फॉर्म। इसके बाद पॉइंट नंबर थ्री है, ब्रिंग द ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द बर्थ एंड डेथ एंड फोटो कॉपी ऑफ द सेम फॉर्म द एडमिशन। आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका DOB का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और उसका फोटो स्टैट्स भी आपके पास होना चाहिए। जिन पेरेंट्स का नहीं हुआ है उस पर ध्यान दे लेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं आफ्टर एडमिशन, आफ्टर रिजल्ट इज कमिंग, क्योंकि आप इन मुद्दों से रेडी रहेंगे और आपका भी अगर अच्छे स्कूल में हो जाए, क्योंकि रिजल्ट बहुत सारे विद्यालय का आने वाला है, सो यू आर बी रेडी फॉर द एडमिशन। इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्लीज ब्रिंग द ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार, डेट ऑफ बर्थ वंस रिकॉर्डेड विल नॉट बी चेंज। जो एक बार जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी एट टाइम ऑफ एडमिशंस वो चीजें चेंज नहीं होगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पेरेंट्स ऑन द एडमिशन फॉर्म एंड द म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल नेम जो है आपका जो करवा रहे हैं एडमिशंस वो और बर्थ सर्टिफिकेट में जो बच्चे का नेम है दोनों सेम चाहिए। ऐसा है कि वहां पे राम दिया हुआ है, वहां पे कुमार नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नेम राम है और उस वाले में DOB में राम कुमार लिखा हुआ है, तो ये चीजें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि DOB आपको शायद चेंज कराना पड़े या मॉड्यूलेशन उसमें कराना पड़े। सो वी हैव वन टू वन काउंसलिंग सेशन जिसमें बहुत सारे बिहार के पेरेंट्स हमसे वन टू वन काउंसलिंग करते हैं। यू कैन सी द लाइव थ्रू विच वी आर ट्राइंग टू कन्वे द रियल मैसेज। बहुत सारे पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम होता है, सर मेरा इस अमुख स्कूल में हो गया, मेरा उस अमुख स्कूल में हो गया, कहां पर एडमिशन ले, कौन सा बेस्ट होगा हमारे लिए। तो पूरे रूट कॉज पे जाते हैं, पॉइंट्स जो कि आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे, वी हैव वेरी नॉमिनल चार्जेस सो वी कैन हैव इंटरेक्शन विद वन टू वन, क्लियर ऑल द डाउट्स, सो यू नीड यू कैन कॉल आवर नंबर्स टू बी वन टू वन मीटिंग विद द सर जी। उसके बाद यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं, ऑक्यूपेशन विद डिजाइनेशन ऑफ एम्प्लॉयड पेरेंट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड। क्या आपका ऑक्यूपेशन है विद डिजाइनेशन, इस अमुक काम को हम अमुक पोस्ट पे कर रहे हैं, इवन बिजनेस में है तो नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एंड नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का आप किस काम में है। फॉर एग्जाम्पल आपका इसका शॉप है, कब से है, उसको डिटेल आपके पास होना चाहिए। एड्रेस टू बी फिल्ड इन प्रॉपरली, जो भी आप एड्रेस फॉर्म का फिल कर रहे हैं वो प्रॉपर एंड करेक्टली विद द करेक्ट टेलीफोन नंबर्स ऑफ रेसिडेंस ऑफिस एंड मोबाइल नंबर विच आर इन द सर्विस। जो टेलीफोन नंबर रेसिडेंस घर का हो, ऑफिस का हो, जहां पे आप काम कर रहे हैं वो सही सही होना चाहिए। ब्रिंग द ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ एंड फोटोकॉपी ऑफ द सेम। एड्रेस प्रूफ का आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एड्रेस प्रूफ में आपने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड ही लेके जाएं और उसका फोटोकॉपी जरूर ले लें, जिससे आपको कोई जो है कॉपी ले लें, इसका फोटोकॉपी से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आया है, इंपॉर्टेंट दैट एडमिशंस, जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं, admission will not be accepted if the above requirement are not shown attached with the form. अगर ये चीजें वहां पे आपने शो नहीं किया तो आपका एडमिशन होने में प्रॉब्लम हो सकता है। पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर एट, नेम, नाम, एड्रेस,
फंक्शनल टेलीफोन नंबर ऑफ लोकल वन लोकल गार्जियन अदर देन फादर और मदर, यानी माता पिता के अलावा एक ऐसा नंबर आपको देना है जो कि बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपल्सरी है। यानी आपके कोई ऐसे मित्र हो सकते हैं, आपके कोई नाना जी ताऊ चाचा कोई भी आप कैसे हो सकते हैं जो बच्चों को अटेंड कर सके जब आप लोग का नंबर ना लगे। एग्रीमेंट ऑन पेज नंबर 3 टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ओनली मदर और फादर एंड इट शुड बी अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर नोटरी पब्लिक विद ऑफिशियल सी। पेज नंबर 3 में एक एग्रीमेंट मिला होगा जब एडमिशन फॉर्म, वो आपको अटेस्टेड होना चाहिए गजेटेड ऑफिसर के द्वारा और अ फादर और मदर शुड बी अटेस्टेड ओवर इट और पापा और मम्मी का सिग्नेचर भी उस पे चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं द मेडिकल सर्टिफिकेट, जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बच्चों का बनाया जाता है, इसे बच्चों का पूरा हम लोगों ने इस वीडियो में बताया था हाउ मच मेडिकल सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट। इसमें हर एक चीज बॉडी का एग्जामिन किया जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, हैव सम वीक पॉइंट्स और नॉट, बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, क्या वो खेल एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, रिग्रेस एक्टिविटीज के लिए क्या वो बच्चे एक्टिव है या नहीं है, कुछ मेडिकल इशूज है, तो वो सारी चीजें मेडिकल सर्टिफिकेट में बच्चों की लिखी हुई रहती है, जिससे एक मालूम चलता है उनको स्कूल्स वाले को कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद completed by the doctor mentioned on the admissions form, please give the doctor's correct information and tag along the blood group certificates when taking the candidate to the doctors. उसको आपको blood group certificate भी चाहिए at time of admissions, वो भी चीजें important हो जाती है। Admission fee कितना लगेगा सर? 75,450 रुपीज, 75,450 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। Online original fee receipt of this payment to be produced at time of submission of the admission form and photocopy of the same to be attested. Fee are inclusive of all 12 months tuition for a fee, admission fee, registration fee, annual fee, including charges for printing, stationery, identity card, school diary, report card, IT charges and maintenance charges. Pura mila ke ek saal ka jo fees hai wahi hai aapka 75,750 rupees. यानी पूरा एक साल का फी आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं तो अप्रोक्सीमेट द मंथली फी, पूरा का पूरा एक साल का फीस आपको वहां पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, द एडमिशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीट मस्ट बी सबमिटेड ऑन 3rd Feb, 3rd Feb को आपको 9 बजे जमा कर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग नंबर 66 पाटलिपुत्र पटना। ओनली वन पेरेंट विल विजिट द स्कूल एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एडमिशन फॉर्म, एक ही पेरेंट्स आएंगे। प्लीज डू नॉट ब्रिंग योर व्हाट स्कूल एट टाइम ऑफ सबमिटिंग एडमिशन फॉर्म, बच्चों को लेकर नहीं जाना है। बुक्स जो है वो अवेलेबल होगा बुक पॉइंट पर जो कि बिल्डिंग नंबर 86 है प्लाटीपुतला क्वालिटी फॉर्म 4 मार्च 2024, यानी 4 मार्च को आपको आपको बच्चे का बुक मिल जाएगा 8 बजे से लेकिन 2 बजे तक। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म्स जो है वो इस दुकान और मुख्य दुकान में मिल जाएगा। स्कूल शूज जो है वो आपको मिल जाएगा। दोज हू फॉल टू टेक एडमिशंस, वो उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर क्लासेस की बात की जाए तो क्लासेस विल हेल्ड ऑन 2nd अप्रैल, 2nd अप्रैल से जो है इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 2nd अप्रैल 2024 एट द बिल्डिंग नंबर 66 पाटलिपुत्र कॉलोनी एट 8 AM। बुक एंड कॉपीज आर विश टू बी सबमिटेड ऑन टू योर वार्ड रिस्पेक्टिव क्लास टीचर ऑन द इंट्रोडक्शन क्लासेस विल बी इंटीमेटेड टू यू लेटर। जो आप बुक्स वहां पे सबमिट करेंगे बाद में आपको बुक्स मिल जाएंगी। द ओरिजिनल एडमिशन रिसिप्ट मस्ट बी शोन टू द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर ऑन द डे ऑफ क्लास, पहले दिन जब भी आप क्लास कर जाए तो ओरिजिनल रिसिप्ट जो कि आपने कटवाया था, जो आपने पे किया था लगभग 75,000 रुपीज का, वो आपको क्लास टीचर को दिखाना है। एंड दैट इज द विशिंग ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर द डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल। दिस आर द फुल डिटेल स्ट्रक्चर वीडियोस फॉर टेकिंग एडमिशन इन सेंट माइकल्स प्राइमरी डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल्स। सो वैकेंसीज की बाढ़ धीरे धीरे आ रही है, क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक की वैकेंसी बैक टू बैक आने वाली है। अभी तक आपने हमारे प्रोसेस में नॉर्मल डेली ऑर्डर वेटिंग फॉर यू, कॉल द नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द पटना स्टॉप स्कूल, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद जय भारत।